अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हारिस किचन। आज मैं ढोकले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, 2 कप मैंने बेसन लिया है और मेजरिंग वाला कप रहता है उससे मेजर करके लेंगे, और 2 टेबलस्पून दही। अगर आप 1 कप बेसन लेते हैं तो 1 टेबलस्पून दही डालना है, 2 टेबलस्पून तेल, 2 टेबलस्पून सूजी यानी रवा, 1 टेबलस्पून शक्कर। ये फर्मेंट करने के लिए इनो लिया है मैंने, आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। और ये 3 मैंने हरी मिर्ची ली है इस तरह से कट करके, थोड़े से कड़ी पत्ते, 1 टीस्पून राई, ये तड़के को जाएगा। 2 चुटकी मैंने हल्दी ली है, हल्दी इसमें कम ही डालना है, नमक लेंगे स्वाद अनुसार। और 3 टेबलस्पून शक्कर है, ये भी तड़के में जाएगा। और नींबू, इसमें से हम लोग आधा नींबू यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसका बैटर तैयार करते हैं। अब डालेंगे इसमें नमक, सूजी डालेंगे, दही डालेंगे, तेल डालेंगे, और 1 टेबल स्पून शक्कर जो रखी थी इसमें डालेंगे, वो डालेंगे। और इसको हम लोग अच्छे से इसका बैटर रेडी करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है। पहले हम लोग 1/2 कप पानी ऐड करेंगे, हल्दी हम लोग बाद में डालना है। अच्छे से मिक्स करके लेते हैं। ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स करके लिया है, इसमें 1 कप पानी गया पूरा इस तरह से। ये देखिए, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला करना है, मीडियम रखना है। 1 कप पानी में इस तरह से हो गया। अब इसमें हम लोग हल्दी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है तो अच्छे से फूलना चाहिए। अब इसको 20 से 25 मिनट के लिए रखेंगे। देखिए, बैटर को हमारे 25 मिनट हो गए, मैंने पानी गर्म होने रख दिया है। अब इसमें इनो डालेंगे, ये पूरा पैकेट डालना है। इसको फटाफट मिक्स करेंगे अच्छे से। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 टेबल स्पून इतना, ताकि ये फूल जाए अच्छे से। ये देखिए कैसा फ्लफी हो गया, देख सकते हैं आप इसका। अब फौरन इसको, मैंने केक टिन लिया है, इसको थोड़ा सा तेल लगा कर लिया है, अब इसमें डालेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया, थोड़ा सा इसको टैप करेंगे। अब इसको स्टीम करने के लिए रखेंगे। देखिए, एक बर्तन में मैंने 1 गिलास पानी डाला है, उसमें इंस्टेंट रखा है, पानी बॉयल होना शुरू हो गया। अब इसमें ये डाल देंगे और इसको इस तरह से कवर करेंगे, और 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको लो फ्लेम पे, 2-3 मिनट हाई फ्लेम पे रखेंगे, उसके बाद लो फ्लेम पे रखेंगे। देखिए, ये हमारा ढोकला तैयार हो गया है। मैंने इस तरह से इधर चेक किया है, देखिए अच्छे से बन चुका है। इसको 1/2 घंटा लगा और आप देख सकते हैं एकदम फ्लफी बना है, जाली वाला। गैस बंद करेंगे, और ये खिड़की से धूप आ रही है इसके लिए ऐसा दिख रहा है आपको, तो इसको बंद करेंगे और निकाल कर इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। 2-3 मिनट में इसी तरह ढककर रखूँगी गरम इसमें, उसके बाद इसको बाहर निकालेंगे, ठंडा करने रखेंगे और इसका तड़का तैयार करेंगे। देखिए, तड़के के लिए मैंने 2 चम्मच तेल डाला है, इसमें राई डालेंगे, हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता डालेंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हरी मिर्ची का तीखापन आना चाहिए, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे,
शक्कर डालेंगे, और इसमें नींबू निचोड़ेंगे। नींबू निचोड़ने से ये जम भी नहीं जाएगी शक्कर, और अच्छा टेस्ट आएगा खट्टा मीठा ढोकले में। ये सब बिल्कुल बाजार जैसा का ढोकला बनेगा। ये वाली रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करना। इसको शक्कर को घुलने देते हैं, 2-3 मिनट पका कर लेंगे। देखिए शक्कर अच्छे से घुल चुकी है और इसको अच्छे से उबाल आ गया, पक गया। ये गैस बंद करेंगे और इसको ठंडा होने देंगे, एकदम गर्म नहीं डालना है। ढोकले को भी थोड़ा ठंडा होने देंगे और इसको भी, जब हल्का हल्का गर्म रहेगा तब डालना है। अगर आप गर्म गर्म डालेंगे तो फुला हुआ ढोकला आपका बैठ जाएगा, तो इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। देखिए ये ठंडा हो गया और ये खुद ब खुद इसने किनारे छोड़ दिए। अब चाहे तो इस तरह छुरी से कर सकते हैं, बड़े आसानी से निकलेगा। अब इसको हम लोग टर्न करेंगे, ये देखिए, और एकदम सॉफ्ट बना है। अब इसको हम लोग पलटी करते हैं और इसको हम लोग कट करके लेंगे। इस तरह से कट करेंगे, आपको जितने बड़े पीस चाहिए उस हिसाब से आप कट लगाओ। इस तरह से हम कट करेंगे। ये देखिए आप, मैं आपको बता दूँ कितना सॉफ्ट बना है, एकदम सॉफ्ट इस तरह से जालीदार। अब इसके ऊपर तड़का डालेंगे, सब इस तरह से लगाएंगे और तड़का डालेंगे। अब इस तरह से इस पर डालते जाएंगे, चारों तरफ से सब में लगना चाहिए। ये देखिए हमारा ढोकला तैयार है, अब इसको मैं सर्व करूँगी। ये देखिए हमारा मज़ेदार और टेस्टी ढोकला बनके तैयार है। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, एकदम फ्लफी और एकदम जालीदार बनाए। इसकी मुझे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट थी, मैं बनाने पाई थी। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।